अगली सुबह जब शावर लेके वो मिरर के सामने आता है तो वो देखता है कि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं दिख रहा, सिर्फ उसके शरीर पर जो कपड़ा है वो दिख रहा है। मिकी देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और इसके बाद वो उस टाल को भी निकाल देता है जो उसके शरीर पर होता है और वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। यानी कि रात को जो विश उसने चाइनीज सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम से मांगी थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसे पूरा विश्वास नहीं होता। और तभी वहां पर उसकी मॉम आ जाती है और ये देखकर वो घबरा जाता है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने होते, लेकिन मिकी की मॉम को मिकी नहीं दिखता और मिकी को विश्वास हो जाता है कि वो पूरी तरह से गायब है। मिकी अपने पूरे शरीर को कपड़ों में लपेट कर स्कूल जाता है और वो वहां पर उस लड़के को देखता है जो रोज उसे परेशान करता है। मिकी अपने सारे कपड़े उतार देता है और क्लासरूम में जाता है जहां उसे कोई नहीं देख सकता। और जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही होती है तो मिकी उसी लड़के की गन उठाता है जो उसे हमेशा परेशान करता है और वो ब्लैक बोर्ड पर निशाना लगाता है और उस गन को उसी लड़के के पास फेंक देता है। टीचर ये देखकर पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है और उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है। और अगले पल दिखाया जाता है कि उसी लड़के के डैड स्कूल में आकर अपने बेटे को घर ले जा रहे होते हैं और उसे मार रहे होते हैं। मिकी को यह देखकर बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। इसके बाद मिकी एक और लड़के के पास जाता है जो लॉन टेनिस खेल रहा होता है। दरअसल आज इसका लॉन टेनिस का मैच है और जब वो सर्विस करने के लिए बॉल उछालता है तो मिकी कभी उसे धक्का दे देता है, उसे अलग अलग तरह से परेशान करता है जिस वजह से वो मैच खेल ही नहीं पाता। उसके डैड उसे कहते हैं कि आज तुम पैदल ही घर आओगे। मिकी इस लड़के को यहाँ पर डराता भी है और वो लड़का यहाँ से भाग जाता है। मिकी उस रूम में भी जाता है जहाँ पर उसकी आंसर शीट होती है और वो देखता है कि उसकी आंसर शीट में उसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं लिखा होता और वो दूसरी आंसर शीट पर जिसपे सारे आंसर सही होते हैं उससे अपनी आंसर शीट पर लिखना शुरू कर देता है। यानी कि अब उसके एग्जाम में नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। मिकी जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां होती जो उसी के स्कूल की हैं और तभी उनकी टीचर बोलती है कि सब शावर लेने जाओ। और मिकी जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में शैतानी उतर आती है और वो भी उन लड़कियों के साथ उस जगह पर चला जाता है जहां पर सभी लड़कियां शावर लेने के लिए अपने कपड़े उतार रही है और मिकी वहां बैठकर उन्हें देख रहा होता है। और तभी एक लड़की उस जगह पर टाल फेंकती है जहां पर मिकी बैठा है और उसकी आकृति उभर आती है। सब लड़कियां धीरे धीरे उस आकृति की तरफ जाती है और तभी एक लड़की टाल हटाती है तो वो देखती है कि वहां पर मिकी बैठा हुआ है और उसने अपने शरीर में अंडरवेयर भी नहीं पहना, यानी कि वो बिना कपड़ों के उस जगह बैठा है जहां पर सारी लड़कियां कपड़े उतार रही हैं। दरअसल मिकी की बॉडी अब विजिबल हो गई होती है। मिकी को इस बारे में कुछ समझ नहीं आता और इसीलिए मिकी की मॉम को यहां पर बुलाया जाता है। मिकी की मॉम गाड़ी में मिकी से पूछती है ये सब क्या था, लेकिन मिकी अपनी मॉम की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। अब जब मिकी और मिकी की मॉम गाड़ी में बैठे होते हैं तभी मिकी की मॉम को कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि स्कूल का एक और बच्चा गायब हो गया। यहां मिकी भी पूरी तरह से परेशान और हैरान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो गायब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे वो वापस अपने शरीर में आ गया। अगले दिन मिकी जब अपनी क्लास में होता है और उसका टीचर लेक्चर दे रहा होता है तभी मिकी देखता है कि उसका हाथ गायब होना शुरू हो गया। वो घड़ी में देखता है 1:05 होते यानी कि पीरियड खत्म होने वाला है। वो अपने हुड को अपने सिर के ऊपर रख लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि वो गायब हो सकता है। और धीरे धीरे वो गायब हो रहा होता है। उसका टीचर उसके पास आके सवाल पूछना शुरू करता है लेकिन मिकी अपना चेहरा नीचे कर लेता है और तभी घंटी बजती है और मिकी वहां से भाग जाता है। मिकी सीधा अपने घर जाता है। मिकी ने अपने पूरे शरीर को कपड़ों से छुपाया होता है ताकि उसके शरीर का गायब हुआ हिस्सा किसी को भी ना दिख सके। जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसकी छोटी बहन भी वहां पर होती है। मिकी दीवार की तरफ मुंह कर लेता है और अपनी बहन को कहता है कि जाओ यहां से निकल जाओ। उसकी बहन कहती है कि ठीक है। वो दरवाजा बंद करती है और कहती है बाय, लेकिन वो कमरे के अंदर ही होती है। और मिकी जब अपना हुड हटाता है तो उसकी बहन देखती है कि मिकी का चेहरा है ही नहीं, उसके सिर में कैप है और सिर्फ उसके कपड़े दिख रहे हैं। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है लेकिन मिकी अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। और उसकी बहन कहती है कि ठीक है। इसके बाद मिकी अपनी बहन को बताता है कि कैसे उसने चाइनीज सुपर हीरो वाली ड्रेस पहनी और कैसे जब वो अगली सुबह उठा तो वो पूरी तरह से गायब था। उसकी बहन पूछती है कि अब तुम दोबारा से विजिबल कब होगे। मिकी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। मिकी की बहन कहती है तुम तो एक सुपर हीरो बन गए, द इनविजिबल बॉय। मिकी कहता है कि हाँ। मिकी की बहन कहती है तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। मिकी कहता है मैं किसी की मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक लूजर हूँ। वही मिकी की मॉम मिकी के इस बदले हुए बिहेवियर से थोड़ा सा परेशान होती है और वो अपनी मॉम को कॉल करती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिकी को शायद एहसास हो गया कि मैंने उसे अडॉप्ट किया है। और जब उसकी मॉम ये बोल रही होती है तो मिकी अपनी मॉम के सामने बैठा होता है। उसकी मॉम उसे नहीं देख पाती और अब मिकी को पता है कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। इस बात से मिकी उदास हो जाता है और एक झूले पर जाकर बैठ जाता है और झूला झूलना शुरू कर देता है। दूर से स्टेला देखती है कि झूला अपने आप ही आगे पीछे हो रहा है लेकिन उस पर कोई भी नहीं बैठा। स्टेला वही लड़की है जो मिकी की क्लास में पढ़ती है। मिकी उसे पसंद करता है लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो स्टेला से बात कर सके। स्टेला उस जगह पर आ जाती है जहां पर मिकी झूला झूल रहा होता है और वो पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई घोस्ट हो या फिर कोई एंजल। मिकी उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो रेत पर एक गोला बनाता है और उस पर दो आंखें और स्टेला उस चेहरे पर स्माइल बना देती है और वो इनविजिबल बॉय से पूछती है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, मेरा कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है। मिकी पूछता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। वो कहती है कि नहीं। और तभी स्टेला का मैसेज आता है। वो कहती है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। दरअसल वो एक जिमनास्ट है और अब उसे प्रैक्टिस के लिए जाना है। वो मिकी से कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही तुमसे मिलूंगी और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और तभी दूर मिकी देखता है कि ब्रिज पर एक आदमी खड़ा है जो उसी की ओर देख रहा है। हालांकि मिकी इस वक्त गायब है लेकिन मिकी को लगता है कि वो आदमी इसे देख सकता है और तभी वो आदमी अपनी स्टिक निकालता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है।
है। दरअसल ये एक अंधा आदमी है। अब उसी रात को मिकी स्टेला के रूम पर जाता है और इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। और इसके बाद ये दोनों ब्लैंकेट के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। और तभी मिकी देखता है कि उसकी बॉडी विजिबल होना शुरू हो गई। इसीलिए ब्लैंकेट उठाकर अपने आप को छुपाता हुआ खिड़की से कूदने वाला होता है कि स्टेला उससे उसका नाम पूछती है। मिकी उसे अपना नाम नहीं बताता और खिड़की से कूदकर भाग जाता है। घर पर मिकी की बहन कहती है कि तुम्हें उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम उससे प्यार करते हो। और मिकी कहता है कि हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। और वो उस जगह जाने लगता है जहां पर स्टेला इस वक्त प्रैक्टिस कर रही होगी। और जब वो वहां पर जाता है तो वो देखता है कि एक आदमी ने स्टेला को अपने कंधे पर उठाया हुआ है। स्टेला पूरी तरह से बेहोश है और वो उसे किडनैप करके यहां से ले जा रहा है। मिकी उसे रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो अभी इस सब के लिए बहुत छोटा है और साथ ही साथ इस वक्त वो विजिबल भी होता है, इसीलिए वो स्टेला की मदद नहीं कर पाता। और वो आदमी स्टेला को किडनैप करके यहां से ले जाता है। और ये स्कूल का तीसरा बच्चा है जो स्कूल से किडनैप हुआ है। वही किडनैपर्स को दिखाया जाता है। वो स्टेला की जांच करते हैं और आपस में बात करते हैं कि ये वो नहीं है जिसकी हमें तलाश है। और इसके बाद वो उसे कमरे में बंद कर देते हैं। और वहां पर वो दो लड़के भी होते हैं जो स्कूल से स्टेला से पहले किडनैप हुए थे। वहीं दूसरी तरफ मिकी घर पर पूरी तरह से परेशान होता है क्योंकि वो किसी भी तरह से स्टेला की मदद करना चाहता है लेकिन अब वो इनविजिबल नहीं है। और वो अपनी चाइनीज सुपर हीरो वाली ड्रेस को ढूंढता है ताकि वो दोबारा उसे पहन सके। और वो देखता है कि उसकी ड्रेस उसकी मॉम ने धो दी और वो धोने के बाद पूरी तरह से श्रिंक हो चुकी होती है। अब वो उसे नहीं पहन सकता। वो अपनी बहन को कहता है कि तुम्हें इसे पहनना होगा। और जब उसकी बहन उस ड्रेस को पहनती है तो ड्रेस काम नहीं करती। उसकी बहन कहती है कि शायद ये तुम पर ही काम कर सकती है। इस बात से मिकी को गुस्सा आता है। वो अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है कि तुमने मेरी ड्रेस क्यों धोई, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मिकी की मॉम कहती है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मिकी बहुत गुस्से में होता है इसीलिए अपनी मॉम से चिल्लाकर बात कर रहा होता है। उसकी मॉम कहती है कि अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करते। मिकी कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो और वो वहां से भाग जाता है। और यहां पर दिखाया जाता है कि मिकी की मॉम के पीछे एक ग्लास होता है जो अपने आप ही चटक जाता है और इसकी वजह मिकी का गुस्सा होता है। मिकी यहां से दूर एक नदी के किनारे चला जाता है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ वहां बैठा होता है और तभी वहां पर वही अंधा आदमी आता है जिसे मिकी ने एक दिन पहले दूर ब्रिज के ऊपर खड़ा देखा था। मिकी उसे देखकर डर जाता है। वो अंधा आदमी मिकी से कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को किडनैप नहीं किया। मिकी हैरान होता है क्योंकि यही बात मिकी अपने दिमाग में सोच रहा होता है। मिकी कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं ये सोच रहा था। दरअसल ये आदमी दूसरों का दिमाग रीड कर सकता है, हालांकि ये अंधा है लेकिन इसे हमेशा पता होता है कि इसके आसपास क्या चल रहा है। मिकी इस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो। ये कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, आई एम योर फादर। मिकी कहता है कि मेरे पिता एक पुलिस ऑफिसर थे, वो एक हीरो थे। मिकी को वो बताता है कि तुम्हें ऐसा बताया गया। इसके बाद वो अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं रशिया में पैदा हुआ था, मेरा परिवार था, मेरे दोस्त थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और तभी वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब फटा जिससे कई लोग रेडिएशन से मर गए, कुछ लोग बीमार हो गए और कुछ लोग पूरी तरह से बदल गए और उनमें से मैं भी एक था। दरअसल इस न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हमारे शरीर में ऐसे बदलाव आए थे जिससे हमारे अंदर अलग अलग तरह की शक्तियां आ गई और इसीलिए वहां की जो आर्मी थी उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया। वो हमारे जैसे और भी बनाना चाहते थे लेकिन इसके लिए उन्हें पता करना था कि हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसीलिए उन्होंने हमें साइबेरिया में कहीं बंद कर दिया और जिस तरह से लैब में चूहों का इस्तेमाल किया जाता है हमारा भी उसी तरह से इस्तेमाल होने लगा। हमें बहुत वक्त तक वहां पर बंद करके रखा गया। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और जैसे जैसे मैं अपनी पावर को इस्तेमाल करता रहा मेरी आंखों की रोशनी जाती रही। वहां पर जितने भी स्पेशल बच्चे थे वो सब के सब बांध थे, यानी कि उनके बच्चे नहीं हो सकते थे सिवाय मेरे और तुम्हारी मॉम की। जब मैंने पहली बार तुम्हारी मॉम को देखा तो मैंने उसका दिमाग रीड कर लिया था कि वो भी मुझे पसंद करती है और इसके बाद तुम पैदा हुए और हम जानते थे कि ये आर्मी वाले तुम्हें हमसे छीन लेंगे इसीलिए हम तुम्हें वहां से लेकर भाग गए। लेकिन आर्मी हमारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी इसीलिए तुम्हारी मॉम ने मुझे आगे जाने के लिए कहा। दरअसल तुम्हारी मॉम के अंदर वो पावर थी जिससे वो अपने आप को गायब कर सकती थी लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाई और रशियन आर्मी ने उन्हें मार दिया। लेकिन मैं तुम्हें लेकर भागने में कामयाब हो गया और अगले कुछ वक्त तक मैं तुम्हें यूरोप में लेकर घूमता रहा लेकिन मैं जानता था कि आज नहीं तो कल वो लोग हमें पकड़ लेंगे इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सुरक्षित घर चुना। दरअसल उस वक्त इंस्पेक्टर मैरी नई नई इस शहर में शिफ्ट हुई थी और मैंने उसका दिमाग रीड कर लिया था कि वो मां बनना चाहती है इसीलिए मैंने तुम्हें उनके दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और जब उन्होंने तुम्हें देखा तो उन्होंने तुम्हें अपना लिया, उन्होंने तुम्हें बहुत प्यार दिया, कभी भी उनके बारे में गलत मत सोचना। मिकी कहता है तो पावर उस ड्रेस में नहीं थी, पावर मेरे अंदर थी। वो आदमी कहता है कि हाँ पावर तुम्हारे दिमाग में, धीरे धीरे तुम इसे कंट्रोल करना सीख जाओगे और तुम्हें अपने कपड़े नहीं उतारने चाहिए क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है। और वो अपने बेटे को एक सूट देता है, वो कहता है तुम्हारी मॉम ने बनाया था और इसे पहनकर भी तुम हमेशा इनविजिबल रह सकते हो, ये उनकी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो यहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिकी की मॉम को दिखाया जाता है, वो पूरी तरह से परेशान होती है क्योंकि शहर में जिस तरह से बच्चे गायब हो रहे होते हैं और जिस तरह से मिकी का बिहेवियर चेंज हो रहा होता है इससे वो डिस्टर्ब होती है। यही उनके डिपार्टमेंट में एक पुलिस वाला जो कि साइकोलॉजिस्ट होता है वो मिकी की मॉम मैरी से हमदर्दी दिखाता है और मैरी उसे बता देती है कि विकी उसका असली बेटा नहीं है। इसके बाद ये दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां पर मिकी होता है क्योंकि यहां से एक बूढ़े आदमी ने जो यहां पर मछली पकड़ रहा होता है उसने पुलिस स्टेशन में कॉल किया होता है कि यहां पर एक आदमी है जिसके बड़े बड़े बाल है और मुझे शक है कि शहर से बच्चों को यही गायब करता है। लेकिन मिकी की मॉम और पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचते हैं तो उस आदमी को कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि मिकी के डैड ने जाने से पहले उसकी याददाश्त को मिटा दिया था। दरअसल उनके पास ऐसी पावर भी होती है जिससे वो किसी की भी याददाश्त को मिटा सकते हैं। यहां पर जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो मिकी की मॉम को कहता है कि मैं मिकी को घर ले जाता हूं और वो मिकी को घर ले आता है और घर को अंदर से पूरी तरह से बंद कर देता है। और यहां पर ये पता चलता है कि शहर में जो बच्चे अगवा हो रहे हैं उसके पीछे इसी आदमी
आदमी का हाथ है और अब वो मिकी को भी पकड़ना चाहता है, लेकिन मिकी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और वो गायब हो जाता है। दरअसल उसे अपनी शक्ति को अब कंट्रोल करना आ गया, और जब साइकोलॉजिस्ट को पता चलता है कि मिकी गायब हो गया तो वो उसे बताता है कि ये शक्ति तुम्हारी मॉम के अंदर भी थी और पिछले कई सालों से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और अब ये मिकी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मिकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाता है और वो एक लड़के की बाइक पर बैठता है। ये उसी के स्कूल में पढ़ता है, ये वही लड़का है जो उसे हमेशा परेशान करता है। लेकिन मिकी पीछे गायब होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। मिकी कहता है जल्दी यहाँ से निकलो, और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर मिकी विजिबल होता है और अपना नकाब हटाता है। ये मिकी को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। मिकी कहता है कि मुझे पता है कि हमारे तीनों दोस्तों को किसने किडनैप किया है, वो वही साइकोलॉजिस्ट है जो हमारे स्कूल में भी आया था, और अब हमें किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों को छुड़ाना होगा। लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनके दोस्तों को बंदी बनाकर कहां पर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ उस जगह को दिखाया जाता है जहां पर स्टेला और उसकी क्लास के दो और लड़के हैं। स्टेला किसी तरह से वहां से निकल जाती है और वो लेजर लाइट तक पहुंच जाती है। वो लेजर लाइट पर स्माइली का निशान बनाती है, उसे ऑन कर देती है, और तभी मिकी आसमान में देखता है कि रोशनी से स्माइली का फेस बना होता है। ये वही स्माइली का साइन होता है जो स्टेला और मिकी ने झूले के पास बनाया था, और मिकी अब समझ जाता है कि स्टेला उस जगह पर है जहां पर ये लाइट है, और ये दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं स्टेला को एक बार फिर से पकड़ लिया जाता है, क्योंकि जब उसने लाइट जलाई होती है तो वहां पर जो गार्ड्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ऊपर कोई ना कोई है, और स्टेला एक बार फिर से इनकी गिरफ्त में है। मिकी और उसका दोस्त वहां बाहर पहुंच जाते हैं, और किसी तरह से मिकी इनविजिबल होकर अंदर चला जाता है, और वो उस चैंबर तक पहुंच जाता है जहां पर स्टेला और उसके दो और दोस्त हैं। वो उन सबको यहां से छुड़ाकर बाहर ले जा रहा होता है। तभी स्टेला कहती है कि यहां पर एक बूढ़ा आदमी है जो हमारी तरह बंदी है, हमें उसे छुड़ाना होगा। मिकी अपने दोनों दोस्तों को कहता है कि तुम यहां से निकल जाओ, मैं उस आदमी को छुड़ा कर लाता हूं। स्टेला कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहां पर है, और स्टेला उसे एक कैबिन के अंदर ले जाती है। और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं स्टेला मिकी के ऊपर गन तान देती है। वो कहती है तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा, और मिकी अब विजिबल हो जाता है। वो स्टेला से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। स्टेला कहती है कि मैं स्टेला नहीं हूं, यहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो इन सब का बॉस होता है, इसका नाम मार्कस है। मार्कस मिकी को बताता है कि मैं किसी के भी दिमाग में घुस सकता हूं, और मैंने उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया था, इसीलिए उसने ऐसा किया। और यहां तक कि जो पुलिस वाला साइकोलॉजिस्ट होता है वो भी एक सही इंसान होता है, लेकिन मार्कस ने उसके दिमाग को भी कंट्रोल कर लिया था। और अब ये मिकी को यहां से रशिया ले जाना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स कर सके। और इस वक्त ये जिस जगह पर होते हैं ये एक पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी को पानी के अंदर समंदर के अंदर छोड़ देते हैं और रशिया के लिए निकल पड़ते हैं। यहां पर मिकी की मॉम और उसके जो असली डैड होते हैं वो भी आ जाते हैं। मिकी की मॉम को वो दो बच्चे तो मिल जाते हैं जिन्हें पहले अगवा किया गया था, लेकिन मिकी और स्टेला नहीं मिलते क्योंकि मार्कस उन दोनों को अपने साथ रशिया ले जा रहा है। और पनडुब्बी के अंदर ये दिखाया जाता है कि मिकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता है। मार्कस कहता है कि करो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां हैं। और तभी मिकी को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, वो चिल्लाना शुरू करता है, और यहां पर जितनी भी चीजें होती है वो सब की सब टूटने फूटने लग जाती है, क्योंकि ये भी उसकी एक पावर होती है जिसकी वजह से यहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब इंजर्ड हो जाते हैं। अब यहां पर जहरीली गैस निकलना भी शुरू हो जाती है। मिकी उस कैप्सूल के अंदर चला जाता है जहां पर स्टेला होती है, और जैसे वो दरवाजा बंद करने वाला होता है मार्कस उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम जिंदा है। मिकी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, वो कहता है कि मेरी मॉम मर चुकी है, और वो उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब स्टेला और मिकी एक कैप्सूल के अंदर है। तभी स्टेला एक बटन दबाती है और ये कैप्सूल पनडुब्बी से अलग होकर पानी की सतह पर आ जाता है, और इस तरह से ये दोनों बच जाते हैं। और अगले पल समंदर के किनारे दिखाया जाता है कि काफी सारे रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को अगवा किसने किया था, ये सब क्या हुआ। लेकिन मिकी के जो असली डैड है वो नहीं चाहते कि इन सब लोगों को मिकी के बारे में पता चले कि उसके अंदर पावर्स हैं, इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए यहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सब की याददाश्त को वो मिटा देते हैं। किसी को कुछ नहीं पता चलता कि ये बच्चे कैसे बचकर वापस आए, उन बच्चों को भी याद नहीं रहता, और इसका पूरा क्रेडिट मिकी की मॉम मैरी को जाता है, हालांकि उन्हें भी इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। मिकी को घर पर दिखाया जाता है, उसकी मॉम उसके पास आती है और वो कहती है तुम्हें मैथ्स में एक ग्रेड मिला है, तुमने चीटिंग की है। मिकी कहता है कि नहीं, दरअसल मिकी अपनी मॉम को कुछ भी बताना नहीं चाहता। लेकिन अब मिकी अपनी मॉम के क्लोज है, वो जानता है कि उसकी मॉम उससे प्यार करती है, और उसकी मॉम ने जो उसके लिए किया है शायद कोई नहीं कर सकता। वहीं रशियन कैंप में दिखाया जाता है कि एक लेडी चेयर पर बैठी है, लेकिन ये भी इनविजिबल है। और तभी उसके पास एक आदमी आता है, वो कहता है कि हमारा मिशन फेल हो गया। इस बात से वो लेडी विजिबल हो जाती है, ये और कोई नहीं बल्कि मिकी की मॉम होती है जो अभी भी जिंदा है, और इससे पहले कि वो उस आदमी को मारती जिसने उन्हें अभी ये खबर दी है, वो कहता है कि हमारा मिशन 2 कामयाब हो गया। मिकी की बहन नताशा हमारे कब्जे में है। दरअसल मिकी की एक रियल सिस्टर भी होती है जो मोरक्को में थी, और अब उसकी सिस्टर उनके कब्जे में है। ये बात मिकी को भी नहीं पता होती कि उसकी एक रियल सिस्टर भी है। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब मिकी का जन्म हुआ था उसके डैड उसे लेकर जा रहे थे तो उनके पास एक और बच्चा था, और ये मिकी की सिस्टर थी जो अब उन लोगों के कब्जे में है जो लोग मिकी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे।